हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडू चौधरी बीरू सिंह जी संस्थापक गुरुकुल मटिंडू दिव्यदर्शी शिक्षा विशार परोपकारी एवं सर्वोत्तम वक्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं गुरुकुल स्थापना दिवस पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हवन का आयोजन दिनांक 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार समय प्रातः 10 बजे स्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल मटिंडू। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रिगेडियर सत्यदेव प्रधान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के विरोध में रोष प्रकट करने के लिए खरखुदा ब्लॉक के सरपंच भी भारी संख्या में बस में बैठकर खरखुदा से टोहाने के लिए रवाना हुए। टोहाने में होने वाली रैली में खरखुदा के सरपंच भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर प्रधान जोगिंदर दहिया ने कहा कि राइट टू रिकॉल जो कानून बनाया है वह सरपंच व पंचायती राज के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है, जिसे सरपंच किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह से जो ई टेंडरिंग प्रदेश स्तर पर करने की प्लानिंग की जा रही है वह भी गलत है, जिसमें पंचायतों पर लगातार आरोप लगेंगे और ठेकेदार अपनी मनमानी करेंगे। सरपंचों के अधिकारों का हनन होगा, गांव के विकास में बाधा आएगी, इसलिए ये दोनों ही नियम सरकार को तत्काल प्रभाव से हटाने चाहिए। इसी मांग को लेकर खरखुदा के सरपंच भी एकजुट होकर टोहाना रैली में रवाना हुए। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। किसान स्मार्टफोन से स्वयं या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं फसल का पंजीकरण। उपायुक्त ललित सिवाश ने बताया कि किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि जिले की सभी किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जरूर करवाएं ताकि उन्हें फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उपायुक्त सिवाच ने बताया कि किसान 31 जनवरी तक पोर्टल fasal.haryana.government.in पर किसान स्मार्टफोन से स्वयं या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने कहा कि फसल खराब होने की स्थिति में पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ भी पंजीकृत किसानों को प्रमुखता से मिलेगा। रिक्रूटमेंट हरियाणा राज्य परिवहन हिसार में ITI पास में द्वारों के लिए नई भर्ती 2023 को लेकर नोटिस जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दी गई है, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन अप्रेंटिस फॉर्म 2023 की लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में अलग अलग ट्रेड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिसार रोडवेज भर्ती नोटिस जारी होने की तारीख 15 जनवरी 2023 रखी गई है। हरियाणा हिसार ITI अप्रेंटिस भर्ती आवेदन शुरू होने की तिथि 16 जनवरी 2023। हरियाणा रोडवेज हिसार भर्ती का लास्ट तारीख 22 जनवरी 2023 रखी गई है। पदों का विवरण टर्न 2 कारपेंटर 9 वेल्डर 9 पेंटर 2 इलेक्ट्रीशियन 12 मोटर मैकेनिक 24 मैकेनिकल डीजल 30 कोपा 2 स्टेनो हिंदी 3। शैक्षणिक योग्यता हरियाणा हिसार रोडवेज भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास संबंधित ट्रेड में ITI क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा हरियाणा रोडवेज भर्ती ITI अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी ITI अप्रेंटिस भर्ती में चिन्हित अभ्यर्थियों को एक्ट 1961 के अनुसार 7700 से 8050 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। ऐसे करें अप्लाई ITI अप्रेंटिस भर्ती 2023 पोर्टल पर जाएं, होम पेज पर दिए गए लॉगिन या रजिस्ट्रेशन पर जाएं, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन इन करें, ITI अप्रेंटिस हिसार ऑनलाइन फॉर्म को भरें, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भरें, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, सभी जानकारी अच्छे से चेक करें, लास्ट में सबमिट करते समय फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। प्रत्येक प्ले स्कूल का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उपायुक्त यशपाल स्कूलों के लिए निर्धारित किए गए मापदंड प्राइवेट और सरकारी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी नए दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध। रोहतक उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से प्ले स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश अनुसार प्रत्येक प्ले स्कूल संचालक द्वारा अपने स्कूल का पंजीकरण करवाना आवश्यक है, इसलिए जिले के सभी प्ले स्कूल संचालक अपने अपने प्ले स्कूलों को पंजीकृत करवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के द्वारा प्ले स्कूलों के संबंध में नई गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसमें आयोग ने सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण के अनिवार्य किया है और स्कूलों के लिए मापदंड भी बनाए हैं। यह गाइडलाइन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी प्ले स्कूलों का पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिग्रहित किया है। सभी प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिला स्तर पर एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाएगा। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पंजीकरण से पहले निरीक्षण कमेटी द्वारा संबंधित प्ले स्कूल का
निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्ले स्कूल के संचालकों को अपने प्ले स्कूल में सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि स्कूल में केवल 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का ही दाखिला लिया जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित चिल्ड्रन हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। AP गर्ल्स पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट TV, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।